Hello dear children, how are you all? Hope you all are enjoying your lessons with fun reading and activities. Myself your teacher Sofina and welcome to today's class. Today we are going to learn a lesson from Marigold book 2 unit 3. Dear children, today's chapter is The Wind and the Sun. In this chapter, we are going to see a story about a discussion between wind and the sun. बच्चों हम इस स्टोरी में देखेंगे wind यानी कि हवा और sun इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। चलिए देखते हैं। Let me first read out the lesson and children you have to read after me, okay? The wind and the sun. Wind. Sun, can you see that man walking down the road? Wind कहता है, यानी कि हवा किससे कह रहा है? Sun से. Sun, can you see that man walking down the road? वो कहता है, क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो जो वहां से रोड से चल के जा रहा है? I can get his coat off more quickly than you can. मैं उस आदमी का जो कोट वो पहना हुआ है उसे मैं निकाल कर फेंक सकता हूँ। ये किसने कहा है? Wind is telling to sun. Okay? Let me read out once again. Wind is telling, sun, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can. Children, what do you mean by quickly? Quickly का मतलब है बहुत ही जल्दी। वो कह रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी वो जो कोट पहना हुआ है मैं उसे निकाल कर फेंक सकता हूँ। See children, this man is wearing a coat, isn't it? Now the sun is telling with a smile. Sun is smiling and telling, we will see who is stronger. चलो हम देखते हैं कौन ज्यादा stronger है, यानी कौन ज्यादा ताकतवर है। I will let you try first. The sun is telling, चलो मैं तुम्हें पहले चांस देता हूँ, you try to do your best. The sun is telling and smiling, we will see who is stronger. हम देखेंगे कि कौन ज्यादा strong है। I will let you try first. Then the wind is telling, with puffing his cheeks and blowing hard. अब wind कहता है, puffing his cheeks, you know this is cheek, अपना जो cheek है उसको फुलाते हुए like this, ऐसे फुलाते हुए और उसमें हवा भरने के बाद what is doing? Whoo, 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 this is the sound, this is the sound coming from wind. How strong is the wind today? आज की जो हवा है इतना strong क्यों है? It is blowing my coat away. आज जिस तरह की हवा चल रही है ये तो मेरा कोट निकाल कर फेंक देगा, ऐसा लगता है। The wind is blowing my coat. ये जो wind है ये मेरा कोट को निकाल कर फेंक देगा, ऐसा लगता है। I must hold it tightly round myself. I must hold it tightly round myself. He is telling that मुझे जो अपना कोट है उसे tightly एकदम tight करके अपने आप में दबा के रखना पड़ेगा। Otherwise the wind is blowing my coat. Wind blowing harder. अब हवा क्या कर रही है? और ज्यादा जोर से फूंक मार रही है। Okay? Whoo. बच्चों आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है, आपने देखा होगा जब कभी तूफान आता है तो कैसी आवाज आती है? हू हू, ऐसी आवाज आती है ना? या दैट इज लाइक दैट द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड हार्डर, और ज्यादा
ज्यादा जोर से विंड जो है हवा अपना हवा जो है जोर से ब्लो कर रहे। मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली। अब जितनी जोर से हवा आ रही है द मैन इज पुलिंग मोर टाइटली हिज कोट टू हिज टुवर्ड्स हिमसेल्फ। पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली। हाउ कोल्ड इट इज ही इज टेलिंग। अरे आज तो ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाउ कोल्ड इट इज। व्हेन सन आई गिव अप। तो विंड कहता है आई एम गिविंग अप माय बेट। मैं अपना जो बाजी है मैं अपना जो बेट है उसको गिव अप कर रहा हूं। ओके आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। मैं जो उस आदमी का कोट निकालने में असमर्थ हो रहा हूं इसलिए मैं गिव अप कर रहा हूं। विंड इज टेलिंग सन आई गिव अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। तो विंड कह रहा है कि मैं तो हार मान रहा हूं। आई एम गिविंग अप आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ सो आई एम गिविंग अप। सन नाउ इट्स माय टर्न। सन इज टेलिंग दैट नाउ इट इज माय टर्न। अब मेरी बारी है। लेट मी ट्राई ही शाइन्स हार्ड। अब सन बोलता है सूरज बोलता है कि अब मेरी बारी है मेरी बारी है। और ही शाइन्स हार्ड। अब शाइन्स हार्ड मीन्स शाइनिंग हार्ड। सन इज शाइनिंग हार्ड यानी कि सन जो है सूरज है बहुत तेजी से अपनी गर्मी छोड़ता है बहुत तेजी से चमकने लगता है। मैन व्हाट अ फनी डे। द मैन इज टेलिंग ओह व्हाट अ फनी डे। कुछ ही देर पहले तो इतनी जोरों से ठंड लग रही थी अब इट इज गेटिंग हॉटर व्हाट अ फनी डे यानी कि ये तो बड़ी मजेदार है। कुछ ही देर पहले मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी अब तो गर्मी शुरू हो गई है। इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट। सन इज टेलिंग कुछ देर पहले क्या था कोल्ड बहुत ही ठंड था और अब गर्मी शुरू हो गई है। तो जब अचानक ऐसा होता है तो द मैन इज टेलिंग सो इट इज अ वेरी फनी डे। सन शाइनिंग हार्डर। अब सन जो है फिर से और ज्यादा तेजी से चमकने लगता है। बच्चों शाइनिंग एंड पफिंग ये सब के लिए मैं आपको वीडियो के साथ मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सन शाइनिंग हार्डर आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। सन बोलता है मैं उसको अभी इतनी ज्यादा से ज्यादा गर्मी दूंगा। मैन वाइपिंग हिज फेस। अब गर्मी लगती है तो क्या होता है बच्चों पसीना छूटने लगता है। द मैन इज वाइपिंग हिज फेस। वो अपना चेहरा पसीना वैसे पोंछने लगता है। आई मस्ट टेक ऑफ माय कोट। अब वो कह रहा है अब तो मुझे अपना कोट उतारना ही पड़ेगा। व्हाई बिकॉज नाउ द मैन इज फीलिंग हॉट। अब उसे गर्मी लग रही है। सन विंड आई हैव वॉन। नाउ द सन इज वेरी हैप्पी एंड ही इज टेलिंग दैट आई हैव वॉन। अब तो मैं जीत चुका हूं। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। देखा मैंने उस आदमी का कोट उतरवा दिया है जो तुम नहीं कर पाए। विंड को कहता है कि मैंने तो उस आदमी का कोट उतरवा दिया सो अब मैं जीत गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज वर्ड्स हैविंग आईएनजी। बच्चों हमने इस लेसन के दौरान कुछ वर्ड्स पढ़े हैं जिसमें आई एन जी लगा हुआ है ना। नाउ चिल्ड्रन लेट अस सी व्हाट आर द डूइंग वर्ड्स हियर। वॉकिंग डब्ल्यू ए एल के आई एन जी वॉकिंग। स्माइलिंग एस एम आई एल आई एन जी स्माइलिंग। देन पफिंग पी यू डबल एफ आई एन जी पफिंग।
blowing. Blowing. Now children, we can see pulling. Pulling. shining. Shining. Then wiping. Wiping. Okay. Now you will see all these words in action. Now children, see, this is walking. How the little baby is walking. You see, now the small little baby is smiling. See, कैसे इसमें ये स्माइल कर रहा है. यू कैन सी नाउ दिस इज पफिंग. पफिंग चीक्स. हाउ द गर्ल इज पफिंग हर चीक्स. यू कैन सी नाउ ब्लोइंग. देखिए कैसे हवा ब्लो कर रहा है. यू कैन सी हियर. नाउ दिस इज पुलिंग. ये बच्चे जो है टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं. इसमें कैसे बच्चे पुल कर रहे हैं. नाउ शाइनिंग. द सन इज शाइनिंग. इसे कहते हैं शाइनिंग. नाउ वाइपिंग. सी द गर्ल इज वाइपिंग हर फेस. इज कॉल्ड वाइपिंग. नाउ चिल्ड्रन कम टू द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. What are the new words? Road, R-O-A-D, road. C-O-A-T, coat. What do you mean by coat, students? See, this is coat. आपने देखा होगा coat है ना. One more. This is also, we can call it coat. Okay? Now next word is quickly. Q-U-I. C-K-L-Y, quickly, यानी बहुत ही जल्दी जल्दी. स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स ताकतवर. S-T-R-O-N-G-E-R, stronger. Cheeks, you can see cheeks. W-O-N, won, that means जीत. Now we'll go to the exercises of this lesson. First question is, what did the wind do to get the man's coat off? Wind ने क्या किया ताकि वो जो आदमी है उसका कोट उसे निकालना चाहता था. उसके लिए उसने क्या किया. What did the wind do to get the man's coat off? The answer will be, the wind blew harder and harder to get the man's coat off. Next question. What did the sun do to get the man's coat off? अब सन ने क्या किया ताकि वो उस आदमी का कोट उसके बदन से निकालकर फेंक दे. उसने क्या किया. The sun shone harder and harder. The sun shone harder and harder to get the man's coat off. Who won in the end? अब आखिर में किसकी जीत हुई. In the end, the sun won. Next question. Who said this to whom? Children, you can see some sentences here. You have to say who told these sentences to whom. Ye sentence kisne kise kaha. I can get his coat off more quickly than you can. Ye kisne kaha tha. Ye wind ne सन से कहा था. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. ये सेंटेंस किसने कहा था. ये सेंटेंस भी विंड ने सन से कहा था. हाउ कोल्ड इट इज. ये किसने कहा था. ये उस आदमी ने कहा था. हाउ कोल्ड इट इज. आई गिव अप. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. किसने गिव अप कर दिया था. विंड ने. So it was told by wind. I have won. This sentence was given by the sun. Okay, let's do the next exercise. Now children, this is our new exercise. Say aloud. Aloud means you have to speak loudly. Zor se bolna hai. Find a rhyming verse from the story for each of these words. Yahan pe jitne bhi words diye gaye hain,
इन वर्ड्स के लिए आपको फ्रॉम द स्टोरी स्टोरी से राइमिंग वर्ड्स ढूंढकर लिखना है। दिस इज बन, बी यू एन, बन। तो बन के लिए कौन सा राइमिंग वर्ड आएगा? फ्रॉम द लेसन यू हैव टू पिक आउट, यस, सन, एस यू एन, सन, एच ओ एल डी, होल्ड। इन द लेसन द वर्ड इज कोल्ड, होल्ड, कोल्ड। नाउ बो, बी ओ ए टी, बो। फॉर दिस सी ओ ए टी, कोट। नाउ एफ ए एन, फैन। फॉर दिस यू कैन राइट एम ए एन, मैन। ओके, एम ए एन, मैन। नाउ एस यू डबल एन वाई, सनी। फॉर दिस यू कैन राइट फनी, एफ यू डबल एन वाई, फनी। पी ओ टी, पॉट। पॉट के लिए आप इस लेसन से कौन सा राइमिंग वर्ड चूज करेंगे? या एच ओ टी, हॉट। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स राइट। यू हैव टू राइट, क्या लिखना है आपको? हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। स्टोरी में हमने कई डूइंग वर्ड्स पढ़े, वी हैव लर्न सेवन डूइंग वर्ड्स। ओके, हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग एंड पुलिंग। फाइंड थ्री मोर डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी दैट एंड इन आईएनजी एंड देन राइट देम हियर। यू हैव टू फाइंड थ्री मोर डूइंग वर्ड्स, और तीन डूइंग वर्ड्स आपको इस लेसन में से निकालने हैं, और यू हैव टू राइट हियर। सो व्हाट आर द डूइंग वर्ड्स एक्सेप्ट दिस वर्ड्स? इस वर्ड्स के अलावा आपको तीन वर्ड्स लिखने हैं। जैसे हमने कौन से वर्ड पढ़े थे? पफिंग, पी यू डबल एफ आई एन जी, पफिंग। और कौन सा वर्ड बता सकते हैं? या वाइपिंग, नेक्स्ट शाइनिंग, एस एच आई एन आई एन जी, शाइनिंग। सो व्हाट आर द वर्ड्स? वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग, पफिंग, वाइपिंग एंड शाइनिंग। चलिए बच्चों, देखते हैं अगली एक्सरसाइज क्या है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, सम वर्ड्स आर रिटन, यू हैव टू चूज द वर्ड फ्रॉम दिस बॉक्स एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट वर्ड इन दिस ब्लैंक। वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। विंड और सन के बीच में एक दिन क्या हुआ था? कॉम्पिटिशन। दे डैश टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। उन्होंने क्या किया था? वो चाहते थे कि उस आदमी का कोट उसके बॉडी से निकालकर फेंकना चाहते थे। वो क्या, उन्होंने क्या किया? एक कॉम्पिटिशन, एक बेट लगाया। दे वॉन्टेड, वो क्या चाहते थे? दे वॉन्टेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। तो यू हैव टू राइट हियर वॉन्टेड, दिस वर्ड वॉन्टेड, W A N T E D, wanted. First, the wind dash hard. सबसे पहले विंड ने क्या किया? विंड ब्लू हार्ड, B L E W. The man dash his coat tightly round himself. यहां पे क्या आएगा? The man pull. P U डबल एल ई डी, पुल्ड हिज कोट टाइटली, टाइटली राउंड हिमसेल्फ। देन द सन डैश शाइनिंग हार्ड, फिर सन ने क्या किया? सन स्टार्टेड, उसके बाद सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। द वर्ड इज स्टार्टेड, एस टी ए आर टी डी, स्टार्टेड। Then the sun started shining hard. The man dash hard and he dash off his coat. The man felt, उस आदमी को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? Hot, गर्मी महसूस हुई. And he
ऑफ हिज कोट. टुक, टी डबल ओ के टुक. स्टूडेंट्स यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Now children, we are going to see some opposite words. What do we mean by opposite words? Opposite words means उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना? Opposite words. Look at these pairs of words with opposite meanings. Hot, cold. यहाँ पे hot लिखा हुआ है और cold. ये दोनों उनके opposite meaning है. Hot का उल्टा है cold. Big, small. Big यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा. स्ट्रॉन्ग, वीक. स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर एंड वीक, वीक का मतलब है कमजोर. नाउ लेट अस सी, नाउ राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ गुड, हार्ड, टॉल एंड ब्लैक. अब आपको लिखना है गुड. गुड का ऑपोजिट क्या होगा? बैड. बी ए डी, बैड. हार्ड, हार्ड का ऑपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट. एस ओ एफ टी, सॉफ्ट. नाउ टॉल, टॉल का ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट. ब्लैक, ब्लैक का ऑपोजिट यानी उल्टा शब्द क्या होगा? व्हाइट. नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट ऑल दिस वर्ड्स वंस अगेन. You have to say after me, okay? Good, bad, hard, soft, tall, short, black, white. Now children, let's have some more fun, okay? This is crossword fun. Look at the pictures and complete the words in the puzzles. यहाँ पे एक puzzle दिया हुआ है. You have to complete the words with the help of these pictures. So here number one, here is a man. You have to complete the spelling. You have to write here M, M A N, man. Then number two, number two में क्या picture दिया हुआ है? You can say it is a coat and you have to write the spelling like this, downward. C O A T, coat. Now number three, it is a sun. So you have to write the spelling here. S U N, sun. Number four. Number four is wind. You can see the spelling. You have to write downward. W I N D. W-I-N-D, wind. Isn't it interesting, students? You can play with your friends. Now go to the next exercise. Dear children, this is our last exercise. A big wind. A big wind is blowing. Look, the leaves are flying. The wind can blow trees down. It can blow houses down. My house is old. Will it come down? See children, you have to learn all these sentences and is sentences ke अंतर्गत आपको समझने के बाद यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस एंड पुट अ टिक और क्रॉस मार्क हियर. जो सेंटेंस सही है उस पे आपको टिक का निशान लगाना है एंड द सेंटेंसेस व्हिच आर रॉन्ग यू हैव टू पुट अ क्रॉस मार्क हियर. द विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है. लुक, द लीव्स आर फ्लाइंग, देखो और पत्तियां जो है वो भी उड़ रही हैं. द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, हवा जो है पेड़ों को नीचे गिरा सकती है. इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, हमारे घरों को भी हवा नीचे गिरा सकती है. माई हाउस इज ओल्ड, माई हाउस इज ओल्ड, मेरा घर जो है बहुत ही पुराना है. विल इट कम डाउन, क्या वो भी नीचे गिर सकता है? नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. Are these sentences right or wrong? Number one, the wind can blow down a house. Is it right? Yes. You have to put a tick mark.
द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड. फील्ड मीन्स खेत. क्या हवा खेत को भी नीचे गिरा सकती है? नो, दिस इज रॉन्ग. द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड. एक छोटा बच्चा को भी विंड क्या नीचे गिरा सकता है? यस इट कैन. सो यू कैन पुट अ टिक मार्क. द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री. यस इट इज ऑल्सो करेक्ट. द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर. दिस इज रॉन्ग. सो डियर चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर एंजॉइंग द लेसन. यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. I want that you should all copy this work in your notebook and you have to repeat at your home, learn properly, read the spellings, read the lessons properly and learn the spellings. So, we will meet in the next class. Till then, bye-bye.